कहते हैं ना कि कुछ लिखा यदि जाए तो कोरे कागज पर लिखा जाता है, पर हमारे शाम का जब श्यामल काला रंग चढ़ जाता है ना तो कोई और रंग नहीं चढ़ता। तो ऐसा ही कुछ हुआ एक भक्त के साथ, एक भक्त की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई का नाम। पहले हम नाम सुना करते थे, फिर पता चला कि ये कान्हा कहाँ रहता है वृंदावन में। फिर धीरे धीरे स्टोरी पता चली, कान्हा से प्रेम बढ़ता गया। प्रेम तो अभी हुआ नहीं था पर होने जा रहा था। पता नहीं कैसे घूमते फिरते हम मंदिर चले गए दादी की उंगलियां पकड़कर। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो भगवान है। फिर एक दिन ऐसे ही हम उनके लिए फूल ले जाने लगे। पहले तो खाली हाथ ही जाते थे, पर लगा कि हाँ इनसे मिलने जा रहे हैं तो कुछ लेकर तो जाए। तो फिर एक दिन हम फूल लेकर गए, जब फूल मुखिया जी ने उनके चरणों में रखा तो लगा कि हाय कुछ ना कुछ तो इन्होंने स्वीकार किया हमारा, पर कहीं ना कहीं वो फूल भी उनसे ही आया है। तो ये सिलसिला चलते गया। उनको देखने की इच्छा होती थी कि आज क्या पहना है उन्होंने, इतने सुंदर सुंदर मोर पंख लगाए हुए कौन रहते हैं ये इतनी सुंदर नारी के साथ में, राधिका रानी के साथ में। प्रेम प्रेम बढ़ता गया और हम रोज मंदिर जाने लगे। अब हम फूल तो लेकर जाते पर और ज्यादा फूल लेकर जाते। तो मुखिया जी पहले चरणों में चढ़ाया करते थे हमारे फूल, पर हमारी आंखों के भाव को देखकर शायद उन्होंने यह न्यौछावर कर दिया हम पर कि ले तुझ पर भी कृपा कर देता हूँ। और मुखिया जी पहले फूल जो चरणों में चढ़ाया करते थे, चरणों में तो चढ़ाते हैं अब भी, पर वो धीरे धीरे उनके हृदय पर आज एक पुष्प चढ़ा दिया। हृदय के पास वाली माला में वो फूल देखकर जो खुशी मिली थी ना, क्या कहे। उसके बाद जब आंखें उनकी आंखों से मिली तो प्रेम का रस टपक पड़ा इन हृदय में और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया। मीरा के बारे में सुना कि कैसे प्रेम करती थी वह गिरिधर को, और गिरते पड़ते यह दिल कहीं किसी इंसान के सामने नहीं गिरा, गिरा तो मंदिर में उन गिरिधर के चरणों में जो सबसे सही जगह है इस दिल की। और बस यही लव स्टोरी हो गई हमारी। और कहते हैं कि भक्तों का जो ब्याह है, जो शादी है, वो कान्हा से ऑलरेडी हो चुकी है। जब इंसान को प्रेम हो जाता है इंसानों से नहीं, इंसानों को बनाने वाले से, और वो राधे राधे जब गाता है तो उसका ब्याह शाम से अपने आप हो जाता है। बस अब गौना बाकी है, गौना तो आप समझते ही होगे। तो बस उसी का इंतजार है कि कब हमारा गौना होगा और श्याम हमको अपना लेगा। बस इसीलिए इसी भाव के साथ में राधे राधे गाइए, श्याम रंग में रंग जाइए। हरे कृष्ण राधे राधे।